हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक तिवारी ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। शहर विधायक जयसिंह पर लगाए गंभीर आरोप, कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है जयसिंह कांग्रेस। जांजगीर चांपा में डॉक्टर चरण दास का शक्ति प्रदर्शन, करीब 10,000 समर्थकों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, दाखिल किया नामांकन, मीडिया से किया जीत का दावा। और कटघोरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने भी आखिरी दिन जमा किए अपने नामांकन। दूसरे नेताओं के नाराजगी पर दी सफाई, कहा सबको साथ लेकर चलेगी पार्टी, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बोधराम और कटघोरा विधानसभा के प्रत्याशी और उनके बेटे पुरुषोत्तम कंवर ने मौजूदा विधायक लखनलाल देवांगन को लपेटे में लिया। पुरुषोत्तम ने कहा कि सरपंच स्तर के कामों को कराकर विधायक वाहवाही लूट रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जिन कामों को कराए जाने का हवाला संसदीय सचिव दे रहे हैं, वह अब भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों में राज्य में भाजपा की सरकार है, बावजूद भू विस्थापितों की समस्या का समाधान डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नहीं कर सकी है। पुरुषोत्तम के मुताबिक आने वाले सालों में कटघोरा की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। मैं संगठन में 2003 से कार्यरत हूँ। मैं जिला कार्यकारिणी मैंने 5 साल काम किया और महामंत्री के रूप में 5 साल कार्य किया। अभी जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। और जो कटघोरा क्षेत्र की जो बुनियादी आवश्यकता है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन पर हम अमल करेंगे। और यहाँ जो सबसे बड़ी जो कालांचल की समस्या है, नौकरी की, पुनर्वास की, मुआवजा की है, उस पर अच्छी नीति बनवा करके यहाँ जो बेरोजगार है, सैकड़ों लोग हैं, उनको रोजगार देने का प्रयास करें। देखिए, हमको सभी वर्गों का सहयोग मिलता है। इसका उदाहरण खुद बाबू जी हैं कि 6 बार यहाँ विधायक चुने गए हैं। ये भी आपको परिणाम में नजर आएगा कि सभी वर्गों का पर्याप्त सहयोग मिला। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व विधायक बोधराम ने कहा कि अलग अलग प्रतिक्रियाओं और विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटियों में हुई चर्चा के बाद पुरुषोत्तम का नाम फाइनल किया गया है, लिहाजा इसे किसी अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी के भीतर रूठे सभी लोगों को मना लिया गया है और वे लोग भी मिलकर काम कर रहे हैं। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था और वह उस फैसले पर कायम है। स्क्रीनिंग करते करते गुजरा, उसके बाद ही टिकट फाइनल हुआ। नाराज हम अभी मना लिए हैं, सवाल ही नहीं नाराज होने का। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने अपनी बीवी के लिए फॉर्म लिया है, उसको कैसे मनाएंगे? उससे कुछ नहीं हुआ, आज तो हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार है। शायद ही फॉर्म भरे, नामांकन भरे नहीं है ना। इससे पहले नामांकन दाखिले के दौरान कांग्रेस के समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। कोसाबाड़ी पहुंचने के साथ उन्हें रोक लिया और फिर पुरुषोत्तम अपने प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन कार्यालय के लिए रवाना हुए। सक्ती विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर चरण दास महंत ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे डॉक्टर चरण दास महंत के साथ करीब 15,000 समर्थकों की भीड़ भी मौजूद थी। सभी लगातार डॉक्टर महंत के पक्ष में नारे लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि सड़कों पर उमड़े भीड़ को संभालने में सुरक्षाकर्मी और पुलिस के जवानों के भी पसीने छूट गए। निर्वाचन कार्यालय से करीब 1 किलोमीटर पहले डॉक्टर महंत का काफिला रोक लिया गया और फिर वे प्रस्तावकों के साथ नामांकन के लिए रवाना हुए। नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के बाद डॉक्टर महंत ने मीडिया से भी बातचीत की। वह अपनी जीत के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के वापसी को लेकर भी आश्वस्त नजर आए।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार बस्तर में बना हुआ है। इसी तारतम्य में कांग्रेस के स्टार प्रचारक टीएस सिंहदेव अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। इस दौरान वे लगातार अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर वोट मांग रहे हैं। अपने बस्तर दौरे के पहले दिन भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल विधानसभा में चुनावी सभा कर बस्तर में डोर टू डोर संपर्क किया। कार्यक्रमों के बाद वे जगदलपुर के कांग्रेस भवन पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात किए। अपने बस्तर के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक टीएस सिंहदेव जगदलपुर में कांग्रेस भवन में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल व छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया के बीच विवाद के सवाल पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि वे लगातार दौरे पर हैं, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है, पर टिकट को लेकर हल्की मतभेद की स्थिति बन सकती है, पर महाबाजी की स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। कांग्रेस का बड़ा परिवार है और यहां शीर्ष के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। वहीं ओपी चौधरी के कहर बनकर बरसूंगा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों का हारना तय है। चुनाव के समय सरकार बनाने के लिए हम जनता के पास हाथ जोड़कर मदद मांगने जाते हैं और रमन सिंह के अधिकारी जनप्रतिनिधि बनकर अपनी असलियत दिखाते हैं। वही झीरम मामले की जांच के सवाल पर सिंहदेव का कहना है कि यह घटना उनके दिल पर बड़ा आघात है और जब तक इस पर न्याय नहीं मिल जाता वे लड़ेंगे। मेरे को तो जानकारी नहीं है, मैं इसी क्षेत्र में हूँ, अभी दिल्ली भी नहीं गया था, दौरा में था, कल नामांकन मेरे को भरना था। थोड़ा बहुत मन में रहता है अगर अपने राय सलाह के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन उसको बात को उतना आगे ले जाने की स्थिति मैं नहीं समझता कि है। मैंने भी सलाह दी थी लेलुंगा में उम्मीदवार के लिए, मैंने रायगढ़ के लिए भी सुझाव दिया था, मैंने पंडरिया के लिए भी सुझाव दिया था। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार रहता है और शीर्ष नेतृत्व का एक बार निर्णय हो जाए तो उसको हम लोगों को सबको मानना चाहिए। एक कहीं कहीं चेंज होते हैं या राय शुमारी करके अलग बात आ जाती है, तो ऐसी स्थिति मेरे को नहीं लगता, क्षणिक कुछ समय के लिए रहता भी होगा। बात ऐसे व्यक्ति का हारना तय है, जो व्यक्ति ऐसी बातें चुनाव के समय जिनके सामने हाथ जोड़ के हम लोग मदद मांगते हैं, सबकी हर मतदाता आज सरकार बनाने का अधिकारी है और उनको रमन सिंह के अधिकारी राज के एक प्रतिनिधि जाके अपने सही स्वरूप को दिखाते हैं तो जवाब भी उनको मिल जाएगा। होनी भी चाहिए और होगी जांच, नए सिरे से जांच के लिए हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सीबीआई को भी या अन्य एजेंसियों को दोबारा लिख के देने की आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरी तरह से परस्यू करेंगे। झीरम घाटी हम लोगों के दिल का एक ऐसा बड़ा दर्द है, हमारी सोच में एक इतना बड़ा आघात है कि जब तक उसमें न्याय नहीं मिलती हम लोग पहल करेंगे। निश्चित रूप से ये गलत निर्णय था, ये निर्णय होना नहीं चाहिए था। एक संस्था जो इतने सालों से काम कर रही थी, निर्विवाद रूप से काम कर रही थी, तो बस्तर परिवहन संघ की मान्यताओं से लेकर अन्य कोई भी कार्रवाई अगर की गई होगी निश्चित रूप से उसको रिव्यू किया जाएगा और बहाल किया जाएगा। बस्तर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने बस्तर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े देश के सबसे बड़े संघ बीपीएस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर बीपीएस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। वहीं बस्तर के राज परिवार की राजमाता के सरकार बदलाव होने चाहिए के बयान पर कहा कि उन्होंने बस्तर के हित के लिए अपना नजरिया प्रस्तुत किया है। वहीं इस चुनाव में बस्तर में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर अपना पक्ष रखते हुए पिछले चुनाव की तरह दो तिहाई सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही भाजपा के पास दुर्भाग्य से मैनेजमेंट का अंबार होने को उनके जीत की वजह बताया है। कांग्रेस जिला कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे उपेक्षा को बड़ी वजह बताया है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने प्रेसवार्ता की और स्थानीय विधायक जयसिंह अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा। अशोक तिवारी ने कहा कि कोरबा कांग्रेस को स्थानीय नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब जयसिंह कांग्रेस बन चुकी है। जहां तक उनका सवाल है तो पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी, जिससे आहत होकर उन्होंने आज अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को प्रेषित कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक तिवारी ने जयसिंह की जमकर मुखालफत की।
उन्होंने कहा कि चुनाव से लेकर हर मौकों पर यहां कांग्रेस के विधायक नए खेल खेलते हैं। इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जब संगठन के भीतर और बाहर कोई चुनाव होते हैं और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो वह भारी मतों से पराजित होते हैं, लेकिन जब जयसिंह के परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में हो तो वह इसके उलट चुनाव जीत जाते हैं। अशोक तिवारी ने कहा कि इसी के भय से चरणदास महंत ने भी कोरबा से चुनाव नहीं लड़ा। उन्हें भी इस बात की आशंका थी कि कहीं वह चुनाव न हार जाएं। अशोक तिवारी ने कहा कि शहर में विधायक और महापौर दोनों एक ही परिवार से हैं, बावजूद वार्डों में समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर के बड़े से बड़े स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान बाहर चले गए, लेकिन विधायक ने इनके विरोध में एक भी आंदोलन नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि वह अधिवक्ता के तौर पर भी चुनाव आयोग से आज गुजारिश करते हैं कि आपराधिक मामले में लिप्त प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। बकौल अशोक तिवारी, आज कांग्रेस के भीतर हर कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा है, हालांकि वह पार्टी के रीति नीति और अनुशासन से बंधा हुआ है, लिहाजा वह खुलकर इस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा। कांग्रेस में और भी इस्तीफे के सवाल पर श्री तिवारी ने कहा कि वह कह तो नहीं सकते कि असंतुष्ट कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। मैंने स्पष्ट कहा कि चूंकि कोरबा में आप विधायक हैं, आपकी पत्नी महापौर है और लोगों की समस्याएं हैं। मैं जिस वार्ड से आता हूं उस वार्ड की स्थिति यह है कि वहां के लोग जब काम कराने के लिए इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि उस वार्ड में तुम लोगों ने एक ऐसे पार्षद को जिताया है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतदाताओं का ये कहना है, वहां के मोहल्ले वालों का कहना है कि हमने दो वोट दिए, हमने एक पार्षद को दिया एक महापौर को दिया। पार्षद गलत हो गया, महापौर कैसे गलत है? महापौर तो अपना काम निभाए। तो ये एक वार्ड की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे सारे वार्ड भरे पड़े हैं। यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो फर्स्ट एड के लायक भी नहीं है। यहां से तमाम सुविधाएं बाहर चली जा रही हैं। आप एक बार भी आंदोलन करके बताइए तो सही, 10 साल के आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप महापौर के अगर काम को गिनते हैं कि महापौर ने ये काम किया, गिन लेते हैं। महापौर ने जो काम नहीं किया वो हमारा काम नहीं, वो विधायक का काम नहीं है। हमारा वो काम नहीं, हो महापौर का है, महापौर के समय में देखिएगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। अगर मैं ये बातें कहता हूं, अगर मैं ये बातें पर्यवेक्षक के समक्ष बात करता हूं कि भाई मुझे वोट देने, मुझे टिकट देने के लिए ये मापदंड हो सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। 8 में नहीं थे उतने सक्षम, लेकिन आज वो बहुत सक्षम है, बहुत अपने को मजबूत बना चुके हैं। मित्रों एक और बात है, कोई आदमी ठेकेदारी करके या कहां से आ गए, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग अगर राजनीतिक दलों में हमारे लोग करने लगेंगे तो राजनीति कहां रह जाएगी। कि अगर कोई भी व्यक्ति एक किसी आपराधिक प्रकरण में, कहीं भी पंजीकृत मामले में अपराधी है, आरोपी है, अपराधी छोड़ दीजिए आरोपी है, तो उसकी जानकारी एक एक मतदाता को होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तिवादी सोच इतनी हावी हो गई है कोरबा में कि उन परिस्थितियों में किसी भी कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान नहीं है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कार्यकर्ता हों, हो सकता है कि मैं निकल के आ गया हूँ इस बात को कहने का, मैंने अपनी तरफ से इस रूप में परिस्थिति को समझते हुए कि अब वो आकंठ डूबने की परिस्थिति हो गई, अब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हम बाहर आ गए। और भी लोग हो सकता है कि अभी अपने को संयमित रखे हुए हों लेकिन परिस्थितियाँ हों। तो मुख्य बात यही है कि जब कार्यकर्ता काम करता है तो उसको कुछ सर्टिफिकेट और उसको कोई धन लाभ नहीं मिलता, कार्यकर्ता को केवल उसका मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। कटघोरा नगर पालिका निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। अब एक नए निर्माण में फिर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और ठेकेदार पर उंगली उठ रही है। बताया जा रहा है कि महीने भर पहले बेलपारा वार्ड में बने सीसी सड़क पर एक बड़ी सी दरार आ गई है, जबकि सड़क को बने अभी महीने भर ही हुए हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि यह निर्माण खुद नगर अध्यक्ष के बेटे ने कराया है। अब सवाल यह उठता है कि जब अध्यक्ष के परिवार से जुड़े लोग ही निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो दूसरे ठेकेदारों के हौसले किस कदर बुलंद होंगे। ऐसा नहीं है कि शहर के भीतर यह पहला मामला हो। बीते 5 सालों की ही बात करें तो सीसी सड़क निर्माण में घटिया किस्म के सामग्री का प्रयोग ठेकेदार करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल भर पहले ही वार्ड क्रमांक 1 और 2 में हुए निर्माण की जांच खुद नगरीय निकाय मंत्रालय की टीम ने कटघोरा आकर की थी और ठेकेदारों का भुगतान भी रोका गया था। ये रोड कितना दिन हुआ बने? एक महीना करीब हुआ है। कैसा बना है?
लखटिया बना है, पूरा फट रहा है, और जहाँ तक बनना था बाबू महाराज के घर तक, वहाँ तक बना नहीं है। हम लोग बोले थोड़ा सा बच्चा बना दो करके, तो हम सब 3,000 पैसा मांग रहे थे। किनके द्वारा ये काम करवाया गया? ललिता डिक्सेना का लड़का है, कलिया। बलरामपुर रामानुजगंज में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के गृह और निर्वाचन क्षेत्र रहे रामानुजगंज बलरामपुर विधानसभा में बागी तेवर अपनाए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत सदस्य विनय पैकरा का नामांकन दाखिल करा दिया। बागी तेवरों के साथ मैदान में उतरे भाजपा के इन पदाधिकारियों की दलील है कि संगठन ने ऐसे प्रत्याशी को क्षेत्र में टिकट दी है जो कि विधानसभा का निवासी ही नहीं है। बागी तेवर वाले भाजपा के ये सभी चेहरे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के समर्थक के रूप में इकलौती पहचान रखते हैं, जबकि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रामकिशन सिंह ने नामांकन दाखिल किया तो रामविचार नेताम खुद मौजूद थे। खबर है कि वे लगातार असंतुष्ट होकर बागी तेवर अपना चुके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। विनय पैकरा के नामांकन दाखिल कराए जाने से हालांकि यह संकेत गए हैं कि खुद नेताम की कवायद भी असफल हो रही है। कर्ताओं के मनसा के विरुद्ध है, और हम चुनाव जो जीतते हैं मंडल जिला और बूथ के कार्यकर्ता के दम पर चुनाव जीतते हैं। अगर कार्यकर्ताओं के विचारों के अनुरूप काम नहीं होगा, बाहरी प्रत्याशी हमको जबरी थोपा जाएगा, तो पूरे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के कहीं तक के उस प्रत्याशी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसका विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से करारा हार का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो पुनः आज भर का टाइम है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व पुनः विचार करके राम विचार नेताम जी पर पुनः सहमति व्यक्त करें, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। क्योंकि कार्यकर्ताओं का भावनाओं के रूप यह पार्टी जो सदैव काम करती है। जय हिंद। उससे भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की मांग थी, कार्यकर्ताओं की एक एक जनता की मांग थी कि राम विचार नेताम जी को टिकट दिया जाए और यहां का चहुंमुखी विकास हो। लेकिन बाहर से प्रत्याशी लाकर हम पर थोपा जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। और हम लोग आज के इस मीटिंग में सभी कार्यकर्ता जो राम विचार नेताम राम विचार नेताम बारी प्रत्याशी बारी प्रत्याशी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए हैं कि हम आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को सूचित कर रहे हैं कि तत्काल इस क्षेत्र से प्रत्याशी बदल के राम विचार नेताम जी को टिकट दिया जाए। इस हेतु यह बैठक हुई है। आज हम अपना मांग जो है आप लोगों के माध्यम से और अपने जो है पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के संगठन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो इस क्षेत्र के कार्यकर्ता जो है आगे विकल्प के रूप में और अपने हिसाब से जो है रणनीति कल तय करके और अगली रणनीति पर काम करेंगे। शत्रुघ्न साहू उर्फ काका इस बार के चुनाव में फिर से मैदान में है। शत्रुघ्न साहू ने अपना नामांकन दाखिल और मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि शहर के विकास को लेकर एक नीति बनाने की जरूरत है। जहां तक कल्याण की बात है तो बतौर विधायक उनकी कोशिश होगी कि शासकीय और अशासकीय दोनों ही संस्थानों की हिस्सेदारी कोरबा के लिए बढ़ाई जाए, इन संयंत्रों से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। आपको बता दें कि शत्रुघ्न साहू इलाके में काका के तौर पर जाने जाते हैं। वह खुद भी एक मीडिया कर्मी है और कई दफे वह कोरबा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन वह इस हार से बिल्कुल भी निराश नहीं है। उनका कहना है कि अगर वह विधायक बनते हैं तो शहर सर्वांगीण विकास की नई राह पर चल पड़ेगा। चाहे बिजली की हो, चाहे नाली की हो, चाहे सड़क की हो, उसे दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और मैं और ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी औद्योगिक संयंत्र हैं या फिर प्रतिष्ठान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कोरबा पर करें,
कोरबा के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले नौकरी में, व्यापार में। मैं ये चाहता हूँ कि विधायक नीति का 100% इस्तेमाल हो, प्रत्येक वार्ड में विधायक कार्यालय खोला जाए। कोरबा की चारों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। प्रत्याशियों ने घंटा घर से अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंच अपना नामांकन फॉर्म भरा। रामपुर विधानसभा से ननकी राम कंवर, कोरबा विधानसभा से विकास महतो, तानाखार से रामदयाल उइके और कटघोरा से लखनलाल देवांगन ने नामांकन फॉर्म भरा। घंटाघर से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसमूह रैली के रूप में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 सालों से बीजेपी का शासन है। इसी क्रम में चौथी बार सरकार बनाने और चारों विधानसभा सीटों में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से नामांकन के दौरान पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। हार और जीत का परिणाम तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जांजगीर जिले के सक्ति विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डोटकी में सरपंच पति की मनमानी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण किसी भी प्रकार की जानकारी मांगने पर सरपंच पति द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी तरह हमने भी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की सूची मांगनी चाहिए तो सरपंच पति ने हमसे भी तू तू मैं करने लगे और कहने लगे कि तुझे मैं अंदर करा दूंगा, मेरे बड़े लोगों से पहचान है। ऐसी धमकी देने लगे, तू कोई बड़ा अधिकारी नहीं है जिसे मैं जानकारी दूंगा। आरटीआई कार्यकर्ता निश्चित तिवारी को भी धमकी दिया। इसके बाद हमने प्रशासन की मदद ली और मौके पर 112 को फोन करके पुलिस को सारी घटनाक्रम को बताया। ग्रामीण एकत्रित होकर विकासखंड मुख्य शक्ति पहुंचकर शिकायत दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत डोडकी के सरपंच पति और सचिव की मनमानी देखकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव सोमवार को भी मुख्यालय नहीं पहुंचता, किसी प्रकार की जानकारी देने से मना करता है। ग्रामीणों ने यह भी लिखित आरोप लगाया है कि पंचायत में 1.5 माह पूर्व रोजगार गारंटी में नवीन कार्ड के लिए 200 रुपए, नवीनीकरण के लिए 100 रुपए लिया गया था। क्या बात करूंगा नहीं कह रहे थे, किससे बोला हूँ? मेरे को बोला है यहाँ पर, मैं आपसे सिर्फ कार्यालय में पूछा हूँ। तू बोला है मेरे को बोलो, तू मत बोलो, बहुत लाट साहब नहीं है, तुम नहीं लेगो मेरे को, कैसे नहीं लेंगे? मेरा साहब लेगा, तुम नहीं ले सकते, कैसे नहीं ले सकते? जाओ रिपोर्ट करना, क्या करना है, करेंगे हम, हजार कर लेता है, कर रहे हैं हम, समझे? और आप सरपंच नहीं हो? कौन? तो मैं तो है नहीं हूँ। हाँ तो क्यों मेरा मेरा को बुलाया तो तू आया हूँ मैं, आप क्यों आए? तुम क्यों आए? कर क्या है? क्यों आए पहले बता। बारह हम सरपंच है, क्यों आए? मैं क्यों आया? सरपंच आ रहा है, सरपंच नहीं हो, समझे? आप सरपंच आ रहा है, आप सरपंच नहीं हो। हाँ देख, हाथ मत बता, इसको नीचे कर, तू नीचे कर, क्यों करूँ? तू अभी का छोकरा है, समझ गया तू? क्यों तो अभी का छोकरा है, अभी का छोकरा क्या मतलब है ना? तू बहुत तू रंगदारी मत बता तू मेरे को, तू ये क्या कह रहा है? उस दिन बुरक बुलाया तुम लोग, क्या क्या किया हो ऐसे कह रहा था इसको? हाँ ये जबरदस्ती बाबा, ये तो पीएम आवास में तो कब बने तो घर? 18 यानी कि अभी अभी बने से? ता एमा कितना पैसा तो मिले हैं? मोला एमा 38,000 रही से और टेप में। हाँ 48,000 के आतरी से किस्त है? एमा तो ला कोई पंचायत कति ले कि पंचायत कर्मी में पैसा की डिमांड करे का कि मां? पंचायत और अपने खाली होती रही से फोटो खींचो यहाँ 20,000 में ला। हाँ वाला पास कर। अच्छा, फोटो खींचे के बाद पैसा 20,000 तक देवे तो मैं तो पास कर हूँ। हाँ दूसरा किस्त में? हाँ तो दूसरा किस्त वाला दे तो हम पास करी। हाँ दूसरा किस्त ला। ओकर बाद में डब्लू हो, डब्लू कौन है? डब्लू होने फूल भाई के पति, पति हाँ सरपंच। हाँ फूल भाई है। हाँ तो वो बोलीस के मैं पास कर तो पास हो ही। अच्छा हाँ नहीं तो नहीं हो पास। नहीं है ने तो डरवाइस वाला मोला डरवाइस। हाँ धमकी दीस। हाँ मोला कम से कम 10-12,000 रुपया दे दे तो 10-12,000 रुपया नगद गने तो और हाथ में दियो कर बोला हाथ में दे। अच्छा तो फिर तो पास हुई। हाँ पास हुई। और शौचालय चला के जो पैसा चला है वो चला के मोला पैसा आज तक नहीं मिली। अच्छा तो यानी कि अगर संग में वही आई का कह रही से? हाँ कह रही शौचालय वाला पैसा। हाँ तो यानी टोटल मिला के कितना पैसा देता रहते हैं पीएम आवास के नाम से? आवास के नाम से वाला 20,000 हो। हाँ 12,000 हो।
यानी 38,000 38,000 पूरा देता है। एक किस्त था पूरा हो गया बस। तेकर बाद और कोई मन पैसा थी मांगे हैं? और नहीं मांगे हैं। हाँ तो घर बन गए हैं? बन गया। और बाद में शौचालय का पैसा नहीं है हिसाब अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं। तो अकाउंट मात्र पास करे के नाम से वन पैसा मांगा थे 20,000 और 12,000 करके 32,000 यह टोटल हो गए। टोटल हो गया। पीएम आवास आपके नाम से जो निकला था ये किसके नाम से आया था? मेरे नाम से आया था, राजाराम मनहर के नाम, मनहर के नाम से। तो इसमें आपसे पैसे की डिमांड किया गया था, पैसे की मांग की गई थी? हाँ, पैसा का डिमांड किया गया था, 5,000 देना बोलकर। हाँ, कौन किया गया था? सरपंच बोला था। हाँ, उप सरपंच बोला था। यानी जो सरपंच के जो पति है वो और उप सरपंच के जो पति है वो? हाँ, दोनों का पति। तो आपने दिया? नहीं दिया। और किसी चीज का पैसा आपका बचा हुआ है? लेटरिंग बाथरूम का पैसा बचा हुआ है। शौचालय के जो पैसा है ना 12,000 रुपए जो आना है वो बचा है। तो उसमें आपने सरपंच से बोली इस बारे में, पंचायत सचिव से? कुछ बताया भी नहीं रहे उन लोगों की आया कि नहीं आया, कुछ बोल नहीं रहे। जानकारी की मांगते हो तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बता रहे वो जानकारी में। तो पैसा आपने नहीं दिया तो इसका क्या असर दिख रहा है आपको? उसको कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसे बोल रहे थे। हाँ, और पैसा कब तक आएगा ऐसी जानकारी आपने मांगी थी उनसे? अभी बाद में बताएंगे बोलते हैं हम लोग, बाद में बताएंगे। और इसका पैसा अभी तक नहीं आया, कितना दिन हो गया? 15-20 दिन हो गया। ये जो आपका इंदिरा आवास जो बना था किसके नाम से, ये जो आवास पीएम आवास आया था किसके नाम से आया था? पिताजी और मेरे नाम का है। दो आया? दो। तो दोनों बन गया है? हाँ, दोनों बन गया है। और इसमें किसी से पैसे की डिमांड किया गया था? सरपंच और सरपंच डिमांड कर रहे थे, सरपंच 40,000 और सरपंच 10,000। यानी दोनों के लिए अलग अलग पैसे की डिमांड हो रहा था? अलग अलग डिमांड, यानी कि 10,000 और 40,000। टोटल नहीं आएगा ना तो आपका पैसा नहीं आएगा, वसूल लेंगे, जैसे कर लेंगे फलाना बोल रहे थे। यानी कि जो आपके जो यहाँ के जो सरपंच है डोड़की के, डोड़की ग्राम पंचायत के, वो महिला सरपंच है? हाँ। तो महिला, वो महिला बोल रही थी कि उनके पति बोल रहे थे? उनके पति बोल रही थी। क्या नाम है उनके पति? पति डब्लू डब्लू तो, सरपंच गंगाधर। गंगाधर, तो ये दोनों के दोनों आपसे पैसा की डिमांड किए थे। हाँ। और अभी तक तीनों किस्त आ गया है दोनों? हाँ, घरों किस्त आ गया है। कौन सा पैसा बचा है? जाप कार्ड और शौचालय का बचा है। ये शौचालय कितना है? दो शौचालय और जाप कार्ड दही का 6,000 फंसा है और संतोष का 4,000 फंसा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉग इन करें www.inn24news.in। नमस्कार। प्लीज कीप वॉचिंग INN24।